हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म विंसम इंटरनेशनल स्कूल माय नेम ए शाहिन एंड टुडे वी आर गोइंग टू बिगिन विद द अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड कम्पोज बाय फी कैरी सो यू ऑल नो कि ये जो पोअम है वो आपके चैप्टर फाइव का ही पार्ट है ओके एंड चैप्टर 5 वी हैव ऑलरेडी कम्प्लीटेड हम ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं लास्ट सेशन के अंदर और आज हम इस पोम को इसमें कवर करेंगे ऑल राइट सो अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड वॉट इज द मीनिंग ऑफ लेजेंड लेजेंड का मतलब होता है कोई ऐसी एंशियंट स्टोरी जो बहुत टाइम से चली आ रही है ठीक है एंड वी डू नॉट नो कि ये ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं है वेदर इट्स रियल और नॉट लेकिन ये बहुत समय से चली आ रही है बहुत टाइम से लोग सुनाते आए हैं तो यू नो इट इज़ पास्ड ऑन टू वन जनरेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू दी अदर है ना एक जनरेशन अपनी दूसरी जनरेशन को सुनाती है कि पता है ऐसा होता था या ऐसा हुआ था सो so, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पर ट्रांसफर होती रहती है और बहुत लंबे समय से बहुत पुराने टाइम से वो प्रेवलेंट होती है उसको हम लेजेंड कहते हैं ठीक है थीके? तो ये लेजेंड कहाँ की है ये है नॉर्थ लैंड ठीक है नॉर्थलैंड कौन सी जगह होती है चिल्ड्रेन नॉर्थलैंड इज द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ न्यूजीलैंड ओके इट इज़ द मोस्ट पार्ट ऑफ न्यूजीलैंड इंडिया में भी ऑल नो दैट वी हैव सो मेनी है ना बहुत सारे फेमस लेजेंड्स है तो ये भी वन ऑफ द फेमस लेजेंड्स है कहां की नॉर्थलैंड की ठीक है It is composed by Phoebe carry That means the poet is Phoebe carry So before beginning into बिगिनिंग इन टू बिफोर poetry poetry पोइट्री पोएट्री स्टार्ट करने से पहले जानते हैं कि हु वॉज फी बी कैरी ठीक है एंड उसके बाद में ये जो पोइट्री है बेसिकली दिखने में बहुत लेंदी है लेकिन इट इज गिवेन इन द फॉर्म ऑफ पोएट्री बेसिकली इट्स अ स्टोरी एक स्टोरी को इन्होंने पोइट्री के फॉर्म में लिखा है ठीक है फाइन

सिस्टर्स सिस्टर्स यानी कि एलिस फीबी और फीबी कैरी को पब्लिश फॉर्म इन एटीन फोर्टी एंड ऑन टू पब्लिशीन फोर्टी नाइन में साथ में मिलकर जो है वो पोइट्रीज को पोइट्री की वॉल्यूम्स को पब्लिश किया उसके बाद में उन्होंने इंडिविजुअली पब्लिश करना स्टार्ट किया आफ्टर देर डेथ इन सेवेंटी वन में दोनों की ही डेथ हो गई जी वीनिंग ऑफ एंथोलॉजी का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ लिटरेरी वर्क इजनिंग ऑफ एंथोलॉजी इट इज दलैक्शन ऑफ लिटरेरी वर्क जितनी भी पोइट्रीज उन्होंने लिखी थी उन सबको एक साथ में कंपाइल करके उनकी एंथोलॉजी को ज्वाइंट करके दोनों बहनों की पोइट्रीज को कंपाइल uh, करके ऑफ़ द सिस्टर्स अनपब्लिश्ड वर आल्सो कंपाइल जो उनकी पब्लिश नहीं हुई थी पोइट्रीज उन सबको पब्लिश किया गया उनकी डेथ के बाद में ओके सो लेट्स सी के इंट्रोडक्शन क्या है दिस पोम इज लेजेंड एंड वॉट इज द मीनिंग ऑफ लेजेंड इट इज अ ट्रेडिशनल स्टोरी समटाइम्स पॉपुलरली रिगार्डेड एज हिस्टोरिकल बट नॉट ऑथेंटिकेटेड क्या होता है ट्रेडिशनल हिस्टोरिकल माना जाता है लेकिन ये पता नहीं होता कि ये वैलिड है कि नहीं है ये रियल है कि नहीं है ठीक है इसकी ऑथेंटिकेशन का कोई प्रूफ नहीं होता सो इट इज अजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी हु एंगर्ड सेंट पीटर बिकॉज ऑफ ह्रीड ठीक है तो ये एक ऐसी लालची औरत के बारे में है एक ये जो लेजेंड है जिसकी ग्रीड की वजह से सेंट पीटर जो थे, सेंट पीटर कौन थे मिशनरी ऑफ क्रिश्चानिटी ठीक है जो की क्रिस्निटी का मैसेज जो है वो हर जगह उनकी प्रीचिंग किया करते थे उसका मैसेज दिया करते थे क्रिस्चानिटी का ठीक है सो ही वॉज अ सेंट तो इस ग्रीडी औरत की वजह से सेंट पीटर को बहुत गुस्सा आया ठीक है इमेजिन इफ यू कैन प्रोवोक अ सेंट ठीक है सेंट हम जानते हैं कि दे वेरी काम दे वेरी हम्बल लेकिन अगर आप किसी सेंट को भी गुस्सा दिला सकते हो दैट मीन्स कोई ऐसा एक्शन है कि जो बियॉन्ड टॉलरेशन है ठीक है लेजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड इज अ बैलिड ठीक है बैलेट क्या होता है इट इज अ सॉन्ग नरेटिंग अ स्टोरी इन शॉर्ट स्टांसाज ठीक है बैलेट क्या होता है चिल्ड्रेन ये भी जो पूरी पोएट्री है ये एक बैलेट के फॉर्म में लिखी गई है और बैलेट क्या होता है इट इज अ सॉन्ग एक सॉन्ग के फॉर्म में होता है जो कि एक स्टोरी नरेट करता है छोटे छोटे स्टांस में बैलेट आर अ पार्ट ऑफ फोक कल्चर और पॉपुलर कल्चर एंड अ पार्ज ऑन ओरली फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट ओके बैलेट क्या होते हैं फोक कल्चर का पार्ट है ठीक है जो पॉपुलर कल्चर माना जाता है उस एरियाज के अंदर ठीक है और उनको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे ट्रांसफर कर दिया जाता है दे आर पास डाउन टू फ्रॉम वन जनरेशन टू दी अदर क्लियर सो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट्री नाउ लेट्स बिगिन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएट्री क्लियर ऑल राइट अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड यू कैन सी दिस रिपीटेशन सो अब हम क्या करेंगे हम ऑलरेडी इतनी पोएट्रीज में जो है पोइटिक डिवाइसेस कर चुके हैं सो पोट्री करते करते यू हैव टू पिक अप पोइटिक डिवाइसेस क्या क्या यूज हो रहे हैं ठीक है सो अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड नॉर्थलैंड आर्स ऑफ द डे ऑफ यू ठीक है नॉर्थ लैंड जो बहुत दूर एक देश है देश का हिस्सा है वहां पे क्या है आर्स ऑफ द डे ऑफ यू यानी कि जो दिन है वो बहुत छोटे हैं ठीक है यू ऑल नो कि विंटर्स में क्या होते हैं डेज आर शॉर्टर And the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. और रातें इतनी लंबी कि इंसान अपनी नींद पूरी भी कर लेता है और फिर भी उसको उसके बाद नींद नहीं आती है because they are too long for them to sleep throughout. ठीक है इतनी लंबी रातें कि वो पूरी रात नहीं सो सकते possible नहीं है इतनी आर्ट की स्लीप को कवर करना ठीक है तो दिन तो इतने छोटे हैं because winters बहुत ज़्यादा बहुत एक्सट्रीम विंटर्स है और रातें बहुत लंबी हैं

राइट right? सो so, वो रेनडियर्स की जो है स्लेज जो गाड़ियां आती है उनसे बांध देते हैं हार्नेस का मतलब है, the, uh, sledge, होता है दे विद विद द द स्लेज टू द स्लेजेस व्हेन इट्स स्नो ठीक है जब स्नो फॉल होता है स्पेशली तो वो क्या करते हैं जो रेनडियर्स होते हैं उनको जो है स्लेजेस के साथ में बांध देते हैं सो दैट दे कैन कैरी द लोड और दे कैन कैरी पीपल एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक फनी फरी क्लोथ और जो बच्चे है वहां पर बिकॉज ऑब्वियस जब इतनी विंटर्स होती है तो हाँ, क्या करते हैं हम लोग वी कवर आर सेल्व राइट बड़े बड़े मोटे मोटे ब्लैकेट से मोटे मोटे जैकेट से हम खुद को कवर करते हैं फरी जैकेट से कवर करते हैं तो वहाँ पे जो बच्चे हैं जब वो छोटे छोटे वो फ्री क्लोथ्स पहनते हैं तो वो ऐसे लगते हैं जैसे कि बैर के बच्चे हैं बेर्स कब्ज यानी कि भालू के बच्चे ऐसा लगता है छोटे छोटे भालू के बच्चे घूम रहे हैं वहां पे ठीक है सो यहाँ पे बहुत ह्यूमरसली जो है बच्चों को बेर के बच्चों के साथ में कंपेयर किया गया है कि वो ऐसे लगते हैं ठीक है दे लुक लाइक बेर्स कब्ज इन दे क्लोथ क्योंकि उन्होंने फर वाले क्लोथ पहने हुए हैं तो वो फर वाले क्लोथ में ऐसा अपेयरेंस आ रहा है जैसे कि ये बैर के बच्चे हैं भालू के छोटे छोटे बच्चे जो है यहाँ पे घूम रहे हैं ठीक है दे टेल देम अस स्टोरी ठीक है और उन बच्चों को दे टेल देम यानी कि I don't believe it is true, और मुझे नहीं लगता या मुझे नहीं पता कि ये सच है कि नहीं है whether it is true or not, what is this? It is, uh, this is the contracted form for it is, okay? It is का contracted form यहाँ पे करके लिखा है I don't believe it is true. एंड येट यू में लर्न असन इफ आई टेल द टेल टू यू चाहे ये स्टोरी जो मैं आपको बताने वाला हूं जो कि नॉर्थ लैंड में सुनाया करते हैं चाहे सच हो या ना हो लेकिन फिर भी ये आप सभी को एक लेसन देगी जो स्टोरी मैं आपको बताने वाली हूं ठीक है सो टेल मीन स्टोरी ओके मीनिंग ऑफ टेल स्टोरी यानी कि कहानी ठीक है नाउ फ्रॉम हियर द स्टोरी इज गोइंग टू बिगिन वस when the good saint peter lived in the world below ek baar ki baat hai jab saint peter lived in the world below is duniya mein the and walked about it preaching just as he did you know means और जब वो वॉक करते थे वॉक किस लिए वॉक कर रहे हैं preach करने के लिए preach का मतलब क्या होता है Uh, सिखाना ठीक है मैसेजेस देना कि हमें अच्छे रहना चाहिए हमें सबसे यू नो ब्रदरहुड के साथ हमें एक साथ रहना चाहिए सो दीज आर द प्रीचिंग्स ऑफ एवरी रिलीजन राइट यूनिट यू नो वी शुड बी यूनाइटेड हमें एक साथ रहना चाहिए ह्यूमैनिटी के साथ रहना चाहिए वी शुड बी ग्रीडी हमें लालच नहीं करना चाहिए तो ये जो कुछ फंडामेंटल्स होते हैं हर रिलीजन के तो यहाँ पे जो सेंट पीटर है वो भी क्रिस्चानिटी के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है जो प्रीचिंग्स है क्रिस्चानिटी की वो प्रीच कर रहे हैं यानी कि लोगों को बता रहे हैं

इन ट्रेवलिंग अराउंड अर्थ ऑब्वियसली वो घूम रहे थे सब जगह घूम रहे थे घूमते घूमते फाइनली वो एक घर के दरवाजे पे पहुंचे वॉट इज मीनिंग ऑफ कॉटेज कॉटेज मीन्स अ स्मॉल हाउस ओके लिटिल वुमन वॉज मेकिंग केक्स एंड बेकिंग वहां पर एक वोमन थी एक लेडी जो थी वो क्या कर रही थी वो केक को बना रही थी, केक बेक कर रही थी। और इस देख सकते हैं ये जो एरिया दिख रहा है आपको बेसिकली हम यहाँ पे चूल्हा कहते हैं ठीक है अवन कह सकते हैं उसको तो वो एक ओपन अवन के अंदर केक जो है वो बेक कर रही थी क्योंकि उसका वही काम था वो हर्थ होता है ठीक है तो यहाँ पे यह बता रहे हैं कि घूमते घूमते जब वो एक दरवाजे पे पहुंचे वहां पे एक वुमन जो थी वो ऑलरेडी केक्स बना रही थी अपने चूल्हे पे एंड बींग फेंट विथ फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन ही हर हर फ्रॉम स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन ठीक है और फेंट यानी कि वो फास्ट कर रहे थे यानी कि पूरे दिन से उन्होंने कुछ खाया नहीं था और जब हम कुछ नहीं खाते हैं बहुत टाइम तक क्या होता है एकदम फेंटनेस आने लग जाती है ऐसा लगता है हमें चक्कर आ जाएंगे ठीक है टायर्डनेस फील होने लग जाती है तो उनको भी वैसी ही फीलिंग आ रही थी बिकॉज ऑलरेडी बिकॉज ऑब्वियसली वॉज नॉट इन अ लग्जरी कार वो किसी लग्जरी कार में ट्रेवल नहीं कर रहे थे वॉज ऑन फुट राइट वो पैदल चल रहे थे सो so ऑलरेडी वो बहुत थके हुए थे ही वॉज वेरी हंग्री तो उस दिन क्योंकि पूरा हो चुका था ऑलमोस्ट दिन खत्म होने वाला था तो वो वहां पे पहुंचे और उस औरत से क्या बोला भाई तुम्हारे पास इतने सारे केक्स हैं मुझे एक केक दे दो because I am hungry, मुझे भूख लग रही है स्टोर करके रखे थे उनमें से ठीक है शी मेड अ वेरी लिटिल केक तो उसने बहुत ही यू you नो know, कम वो जो है uh, केक बनाने के लिए उसने डो लिया और बहुत ही छोटा केक बनाना स्टार्ट किया बट एज इट बेकिंग लेकिन जब उसने उसको बेकिंग के लिए रख दिया ठीक है जब उसने बेकिंग वो केक जो है डो लेकर डो क्या होता है जब हम आटे में से थोड़ा सा टुकड़ा लेते हैं ना उसको फिर यू you नो know, रोल करते हैं तो वो क्या होता है डो होता है तो एज इट बेकिंग ले जब उसने बेक करने के लिए वो केक रख दिया शी लुक डट इट एंड थॉट इट सी टू लास्ट टू गिव अवे तो उसने उस केक को देखा उसने बोला नहीं 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 ये तो मुझे लगता है बहुत बड़ा केक बना दिया है मैंने है ना और ये मैं फ्री में दे दू किसी ऐसे इंसान को चलते फिरते इंसान को फ्री में दे दू ये तो बहुत बड़ा केक है ठीक है तो उसने उसके केक को कैंसिल किया उसने उसको अपने वापस स्टोर में रख दिया कि नहीं ये तो मुझसे ज्यादा बड़ा केक जो है वो बेक हो गया है

प्रॉपर फाइनली जो है वो सारा हर्ज मटीरियल जो है एकदम प्रॉपर इक्वली जो है बन जाए ठीक है ना तो वो ज्यादा पतला होना चाहिए ना ज्यादा थिक होना चाहिए ठीक है तो उसने एक और जो है डो नीड किया उसने गूंथा था उससे भी छोटा उसने नीड किया बट इट लुकड वेन शी टर्न इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट वर्ड फर्स्ट है लेकिन जब उसने फिर इस केक को देखा तो उसने बोला ये नहीं ये तो फिर से बड़ा केक मुझसे बेक हो गया ठीक है ये तो मैं नहीं दे सकती ये तो बहुत बड़ा केक है राइट सो एवरी टाइम यू कैन सी कि एवरी टाइम एंड शी वॉज बेकिंग द केक उसको ऐसा लग रहा था कि नहीं ये तो मेरे से बड़ा केक हो गया है ठीक है हालांकि वो छोटे कोशिश पूरी कर रही थी कि छोटा केक ही वो बेक करे और एक्चुअली छोटा ही था देखा जाए तो लेकिन बिकॉज दैट लेडी वॉज ग्रीडी वो बहुत सेल्फिश थी बहुत ग्रीडी थी तो जब उसको देना था जब वो देने की बारी आ रही थी तो उसको लग रहा था नहीं ये तो बहुत बड़ा केक हो रहा है ये मैं नहीं दे सकती फ्री के अंदर Then she took a tiny scrap of dough. What is the meaning of scrap? Scrap का मतलब होता है piece. ठीक है उसने उस डो का जो आटा गूंथा हुआ था केक के लिए उसमें से उसने क्या किया एक छोटा सा टुकड़ा लिया ठीक है एंड रोल्ड एंड रोल्ड इट फ्लैट और उसको एकदम फ्लैट रोल करती गई ठीक है रोलिंग का मतलब क्या होता है हम हम जब जो बेलन यूज करते हैं ना रोटी को फ्लैट करने के लिए राइट तो वो क्या कर रही है यहां पे उसको एकदम फ्लैट 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 जा रही है एकदम एकदम पतला होना चाहिए एकदम छोटा होना चाहिए ये उसकी दो जो है डिमांड्स थी अगर वो केक दे रही है क्योंकि उसको पता है कि अगर आ, किसी सेंट को देना है तो ऑब्वियसली शी के नॉट चार्ज द पर्सन राइट सेंट को तो आपको ऐसे ही देना पड़ेगा तो उसके दिमाग में ये चल रहा था कि नहीं जितना पतला हो सकता है और जितना छोटा हो सकता है वैसा केक बना के देना है एंड बेक बेडेट नाज़ा वेफर। कितना पतला कर दिया उसको, उसने रोल करते वो केक भी वो देने के लिए रेडी नहीं थी मेंटली नहीं ये भी बहुत बड़ा हो गया ठीक है सो यू कैन सी दाइट्स ऑफ ग्रीडीनेस तो इससे आप, आप कोई भी नॉर्मल इंसान भी प्रोवोक हो जाएगा राइट फॉर शी सेड क्स दैट सीम टू स्मॉल वेन आई ईट ऑफ देट टू लार्ज टू गिव अवे सोश देम ऑन द शेल्फ यानी वो क्या कह रही है माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल माई सेल्फ यानी कि ये जो तो केक्स है जब मैं मैं जब ये सोचती हूँ कि मुझे खुद खाना है तो मुझे तो छोटे लग रहे हैं लेकिन जब मुझे इसको देने की बारी आती है तो मुझे बहुत बड़े लग रहे हैं केक ठीक है और ये सोच के वो हर बार वो केक्स को क्या कर रही थी शेल्फ में रखे जा रही थी सेंट को नहीं दे रही थी और वो भी, और सेंट पीटर जो है वो ऑलरेडी इतने टायर्ड थे इतने भूखे थे कि वो वेट कर रहे थे कब वो उनको एक थोड़ा कुछ भी खाने को देगी तो एक हर साइज का केक बनाया जा रही थी एवरी टाइम शी फेल्ट कि नहीं ये तो बहुत बड़ा बन गया ठीक है यानी कि अगर छोटा भी बन गया तो भी वो उसके लिए बड़ा है क्योंकि वो उसको देना है ठीक है और अगर खुद के खाने के लिए है तो वो तो फिर वो छोटा है उसके लिए कि वो खुद खाएगी तो उसके लिए इनफ नहीं होगा लेकिन किसी और को खिलाना है तो वो भी बहुत ज्यादा है ठीक है Then Good Saint Peter grew angry. और finally, जब वो ये continue देखे जा रहे थे कित क्या कर रही है बार बार केक को जितना पतला हो सकता है जितना छोटा हो सकता है उतना बेक कर रही है लेकिन फिर भी शी इज नॉट गिविंग दैट टू हिम फिर भी वो उनको खाने के लिए नहीं दे रही है वो हमेशा हर बार उसको अपने शेल्फ पे रखी जा रही है ठीक है तो अब उनको आ गया गुस्सा फो ही वॉज हांग्री एंड फेंट वो ऑलरेडी वीक फील कर रहे थे उनको ऑलरेडी बहुत ज्यादा भूख लग रही थी एंड श्योरली सच अ वोमन वॉज इनफ टू प्रोवोक अट और ऐसी औरत बहुत काफी थी उसका जो बिहेवियर था कि वो एक सेंट को भी प्रोवोक कर सके ठीक है एंड ही से कहा यू आर फार टू सेल्फिश तुम बहुत ज्यादा सेल्फिश हो टू ड्यूमन फॉर्म डॉ मतलब क्या होता है टू लिव ठीक है तुम इतनी सेल्फिश हो कि तुम इंसान के फॉर्म में रहने के लायक नहीं हो टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू warm. ना तुम इस लायक हो कि तुम्हें खाना मिले अच्छा ना तुम इस लायक हो कि तुम्हें शेल्टर मिले और ना इस लायक हो कि तुम्हें प्रॉपर एक ऐसी जगह मिले जहां तुम खुद को वार्म कर सको दैट मीन्स ऑल इन ऑल वो ये कहना चाह रहे हैं कि यू डू नॉट डिजर्व टू तो लिव, लिव लाइक ह्यूमन तुम इंसान के फॉर्म में रहने के लायक नहीं हो तुम नहीं डिजर्व करती इंसान बने रहना ठीक है सो नाउ ही वॉज एंग्री Now you shall build as the birds do and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry wood. अब उन्होंने उसको कर्स दे दिया और वो क्या कर्स था कर्स का मतलब श्राप ठीक है तो उन्होंने क्या कर्स दिया उसको कि अब तुम क्या करोगी जिस तरह से पक्षी जो है वो स्ट्रगल करते हैं है ना अपना घर बनाने के लिए अपना खाना ढूंढने के लिए अब तुम भी उन्हीं की तरह स्ट्रगल करोगी क्योंकि तुम्हें यहां पे बहुत इजीली खाना मिल गया है इजिली शेल्टर मिल गई है तो तुम्हें वैल्यू नहीं है उसकी कि तुम किसी और की हेल्प करो या कि तुम किसी और के पेन को फील करो ठीक है अब जब तुम्हें ये फील होगा कि एक्चुअली स्ट्रगल क्या होता है खाने के लिए शेल्टर के लिए सो so मे तुम्हें उसकी वैल्यू समझ आए ठीक है तो उन्होंने उसको क्या क्या बोला कि अब तुम भी बर्ड्स की तरह घर बनाओगी एंड शेल गेट योर स्कैंटी फूड स्कैंटी का मतलब क्या होता है लेस देन नीडेड ठीक है स्कैंटी का मतलब होता है लेस देन नीडेड यानी कि जितनी आपको जरूरत है उससे भी कम खाना मिलना ठीक है ऑब्वियसली बर्ड्स ऐसा तो है नहीं कि उनको उनकी जितनी डिमांड होती है वो फुलफिल हो जाती है नहीं वो स्ट्रगल करते हैं कभी कुछ कहीं से लाते हैं कभी कुछ कहीं से लेकर के आते हैं तो उन्हें जितना हो सकता है वो कोशिश करते हैं कि उसी के अंदर यू नो दे ट्राई कि हाँ इसी इसी में हम जो है वो पेशेंस रखें और उसी को खा लें ठीक है तो वो ये कह रहे हैं कि अब तुम भी बर्ड्स की तरह स्ट्रगल करो अपना घर बनाओ और अपने लिए खाना ढूंढो और खाना भी कैसा मिलेगा तुम्हें जितनी जरूरत होगी उससे भी कम मिलेगा

वुड पैकर बना दिया कि अब तुम जाके वुड्स के अंदर से पेड़ों की लकड़ियों के अंदर से जाकर अपने लिए खाना ढूंढो देन अब शी वेंट थ्रू द चिमनी Never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. और जब उन्होंने उसे कर्स दिया फिर क्या हुआ चिमनी में से एक बर्ड निकला और वो बर्ड कौन सा था वुड पैकर का ठीक है नेवर स्पीकिंग अ वर्ड ऑब्वियसली वो एक भी वर्ड नहीं बोल पाई एंड आउट ऑफ द टॉप फ्ल्यू अ वुड पैकर फॉर शी वॉज चेंज टू अर्ड और क्योंकि वो एक बर्ड में बदल चुकी थी इसलिए चिमने के बाहर कौन सा वर्ड निकला वुड पैक ठीक है सो दिस वॉज द कर्स दैट वॉज गिवेन टू द लेडी शी है स्कॉलेट कैप ऑन हर हेड वॉट इज अग ऑफ स्कॉलेट स्कालेट मीन्स ब्रिलियंट रेड कलर एकदम ब्रिलियंट रेड कलर जो होता है दैट इज स्कॉलेट ठीक है तो उसके सर पे एक ब्रिलियंट रेड कलर की कैप पहनी हुई थी ठीक है एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम तो जब वो बर्ड बन गई तो वो जो स्कालेट कलर की कैप ब्रिलियंट रेड कलर की कैप उसके सर पे थी वो तो वैसे की वैसे ही उसके सर पे रेड कलर का स्कॉलेट ही रेड कलर का ही वो उसके सर पे रह गया बट ऑल द रेस्ट ऑफ अ क्लोथ वर बर्न ब्लैक एज अ कोल इन द फेम लेकिन उसके जो बाकी सारे कपड़े थे वो जल के राख हो गए And every country boy, उस जगह का उस गाँव का हर स्कूल जाता हुआ बच्चा इन द वुड उन्होंने उसे जंगल में देखा है वे शी लिवस इन दीज टिल दिस वेरी डे वुड यहाँ पे क्या है वुड मीन्स फॉरेस्ट ठीक है और वहां उन फॉरेस्ट के अंदर उन्होंने उन बच्चों ने उसे पेड़ पे देखा है आज भी वो वहां उस पेड़ पे है उन पेड़ों पे है बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड यानी कि स्ट्रगल कर रहा है वो फूड पैकर जो है वो स्ट्रगल कर रही है रात दिन यू हैव यू मस्ट हैव यू नो लाइफ तो यहाँ पे क्योंकि वुड पेकर्स नहीं होते बट अगर आपने टीवी पे भी देखा है कार्टून में भी देखा है तो उसका क्या एक एट्रीब्यूट होता है कि वो कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली पेट में जो है वो अपनी चौंज को मारता रहता है ना दैट दैट सीम्स टू बी वेरी इरिटेटिंग फॉर अस लेकिन उसके लिए वो क्या है उसके लिए वो स्ट्रगल है खाना ढूंढने का ठीक है तो दैट इज वाई इट इज सेट कि वो बहुत बोरिंग प्रोसीजर हो जाता है लेकिन वो उसको करना पड़ेगा बिकॉज अगर उसे खाना चाहिए तो ठीक है अगर उसे अपना पेट भरना है तो उसे वो स्ट्रगल करना ही पड़ेगा उसके उसके अपने लालच की वजह से ये जो जो भी हुआ हुआ साथ वो ठीक है अगर वो सेंट पीटर की हेल्प करती अगर उनकी भूख को समझ के उन्हें खाना ऑफर करती प्रॉपरली तो मे भी ऐसा नहीं होता लेकिन वो इतनी ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड थी कि उसने सिर्फ खुद के बारे में सोचा ठीक है उसको कोई मतलब नहीं था कि वो सेंट है वो भूखे हैं वो पूरे दिन से इधर उधर प्रीचिंग कर रहे थे तो यू नो नो रिस्पेक्ट इसके अंदर कोई रिस्पेक्ट नहीं था इन वो क्या कर रही थी हर बार अपना जो है वो खाना बचाने की कोशिश कर रही थी और उनको कम से कम देने की कोशिश कर रही थी ठीक है एंड दैट इज वाई उसके इसी बिहेवियर की वजह से, से सेंट पीटर को गुस्सा आ गया और उन्होंने उसे एक वुड पैकर के अंदर चेंज कर दिया ठीक है सो so दैट उसे पता चले कि खाने की वैल्यू क्या होती है और उसके लिए स्ट्रगल करना क्या होता है और राइट right? पोइट्री so जो की एक स्टोरी थी एक्चुअली जिसको पोइट्री के फॉर्म में लिखा गया है ये स्टोरी किसके बारे में है एक ऐसी ग्रीडी और एक ऐसी selfish औरत के बारे में है जिसका क्या काम था केक्स को बेक करना शी वॉज वंस विजिटेड बाय सेंट पीटर वॉज हंग्री एंड टायर्ड ऑफ प्रीचिंग फॉर द होल डे ठीक है एक दिन वहां पे सेंट पीटर आए जो कि पूरे दिन से प्रीचिंग की वजह से थक चुके थे और उन्हें भूख लग रही थी He stopped at her door and asked for a single cake to eat from her store. और वो उसके दरवाजे पर रुके और उन्होंने उससे रिक्वेस्ट की कि अगर वो अपने इतने सारे केक्स में से उन्हें एक केक ऑफर कर सकती है तो The woman started kneading the डो बट एवरी टाइम शी फेल दट द केक वॉज टू बिग टू गिव ठीक है तो उस वोमन ने आटा जो है गूंथना शुरू किया ठीक है और हर बार जब वो गूंथती थी हर बार जब वो नीडिंग करती थी उसको ऐसा लगता था कि, नहीं, ये केक तो बहुत बड़ा है देने के लिए she started baking cakes smaller than the previous ones, but she was not willing to give even the smallest and thinnest of the cakes she had baked, as she felt that it was too big to give for free. ठीक है वो आ, वो जो है लगातार केक बेक करती रही लेकिन हर बार उसको ऐसा लगता था इनफैक्ट जो सबसे थिनेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट केक उसने बेक किया था उसको देख के भी उसको ये लगता था कि नहीं ये फ्री में देने के लिए तो बहुत बड़ा केक है When the saint observed this greedy behavior, he was provoked to curse her. और जब सेंट ने उसका ये ग्रीडी बिहेवियर देखा वो प्रोवोक हो गए कि उसे वो कर्स करे यानी कि श्राप दे

सेंट पीटर टीचेस अ लेसन टू ऑल ह्यूमंस दैट वी मस्ट हेल्प द नीडी इफ वी आर केपेबल ऑफ डूइंग सो ओके तो इनका क्या मैसेज है हमारे लिए कि अगर हम इस लायक हैं कि हम किसी की हेल्प कर सके

सेल्फलेस होकर किसी की मदद करेंगे तो इट इज गोइंग टू मेक यू फील गुड आपको अंदर से बहुत अच्छा लगेगा ठीक है लेकिन अगर आप सेल्फिश हैं और आपको ऐसा लगता है कि नहीं अगर मैंने इसकी हेल्प कर दी तो हो सकता है कि मेरे से एक स्टेप आगे चला जाए तो अगर आपके दिमाग में ये थॉट है तो आप जहां पे हैं शायद आप उसे आगे बढ़ना तो दूर आपका हो सकता है लेवल और ज्यादा डिक्लाइन हो जाए ओके सो दिस इज द मैसेज दैट वॉज गिवन बाय सेंट पीटर राइट नाउ लेट्स सी द पोइटिक डिवाइस दैट आर एम्प्लॉयड हियर So, हमेशा की तरह विल बिगिन विद राइमिंग स्कीम्स आई होप पोएम पढ़ते पढ़ते भी आपने बहुत सारे लोगों ने नोटिस किए होंगे इसमें क्या क्या जो है पोएटिक डिवाइसेस यूज किए गए हैं ठीक है तो पहले देखते हैं हम राइमिंग स्कीम फाइन ए बी विंटर डिफरेंट साउंड थ्रू फ्यू थ्रू दे आर सेम यस रेनडियर ए स्नोज B cubs. C clothes and snows. Same. Yes. B. So what is the rhyming scheme here, children? You can see throughout. अगर आप check करेंगे तो आपको यही rhyming scheme यहाँ पे मिलेगी, ठीक है? और वो क्या है? A B C B. ठीक है? So the rhyming scheme is A B C B. Fine. और बाकी जो paragraphs हैं, please go through them. वो भी check कीजिए. will see that the rhyming scheme is same throughout. ठीक है? Fine. अब देखते हैं यहाँ पे

So, away, away in the Northland, where the hours of the day are few and the nights are so long, and where that they cannot that they the the sound right, consonant sound is repeated here. So, what is this alliteration? Where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows, sir, sir, okay, sir sound, consonant sound again, it is also an example of alliteration. And the children look, look like right look like l sound alliteration in their funny furry clothes fur fur sound alliteration so there are so many examples of alliteration in this poetry you can see they tell them the the a curious story i don't believe it is true and yet you your sound may learn a lesson if i tell the tale to you tell the tale to फ्यू जस्ट गो थ्रू इट बहुत सारे अलिट्रेशन के एग्जाम्पल भी होंगे नाव अब आपको खुद ये ट्राई करना है कि आप प्रैक्टिस करें कि क्या आप जो है वो सीख गए हैं या आप जो है आइडेंटिफाई करना जान गए हैं किसी भी पोइटिक डिवाइस को कैसे देखना है ठीक है सो दिस इज एलिट्रेशन एग्जाम्पल ऑफ एलिटरेशन फाइन नाउ विल सी एग्जाम्पल ऑफ सिमिली वॉट आर सिमिली इज चिल्ड्रेन सिमिली क्या होता है सिमिली इज अंपेरिजन ठीक है दो चीजों के बीच में डायरेक्ट कंपेरिजन होता है फॉर एग्जाम्पल और जिसमें किसका यूज होता है लाइक like का और एज का यूज होता है ठीक है सो जो ग्रीन में मार्ग ढूंढे वो क्या होगा simili. Simili क्या होता है चिल्ड्रेन डायरेक्ट कंपेरिजन डायरेक्ट कंपेरिजन होता है और इसके अंदर लाइक like का यूज होता है या फिर एज का यूज होता है ठीक है

सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस पोइट्री वेरी वेल बहुत अच्छे से आपने इस पोइट्री को समझा होगा और इसमें ज़्यादा कुछ इतना समझने को है नहीं इट इज जस्ट अ स्टोरी एक स्टोरी है जो कि पोइट्रिक फॉर्म में है तो अगर आपको वो स्टोरी का पूरा जस्ट समझ में आ गया है दैट मीन्स एवरीथिंग इज डन एंड जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ठीक है इस पोइट्री के जो क्वेश्चन आंसर्स है वो भी यहीं से एक्सट्रैक्टेड है ऑब्वियसली तो यू विल बी यू नो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू अगर आपको पोइटी अंडरस्टूड हो गई है अगर आप समझ गए हैं अच्छे से पोयम का मतलब तो आप बहुत इजीली जो है वो आंसर्स भी कर लेंगे ओके सो इन द नेक्स्ट सेशन वी विल बिगिन विद चैप्टर सिक्स टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद विंस इंटरनेशनल स्कूल टेक केयर गुड बाय